बसपा ने गुंडागर्दी और तानाशाही पर महिला उत्पीड़न के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। सर ये मामला था कि मैं 19 तारीख को खाना खाकर टहलने निकली थी, तो अम्बेडकर चौक से जैस्तम चौक आई और जैस्तम चौक से जैसे काली मछली चौक आई तो मनोज मेहरा यहाँ के एसआई हैं, थाना प्रभारी भी हैं ओबीओ, तो उनके एक आरक्षक है यातायात में विनय शुक्ला, उन्होंने मुझे बुलाया कि मैडम आप इधर आएँ। वो उस बीच में हमारा फ़ोन चालू था तो हम बात ही कर रहे थे, उसी में मेहरा साहब ने हमसे खूब तड़क से गाली गलौज देनी चालू कर दी और उसी बीच में हमारे साथ हाथापाई हुई, तो हमने एसपी साहब को भी बताया इस बारे में लेकिन अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद हमने बोला कि हम इनकी FIR करना चाहते हैं, जिनने हमारी FIR भी नहीं करी, इनने बोला कि आप लिखित में आवेदन दे दें, हमने लिखित में आवेदन दे दिया। उसके एक सप्ताह बाद हमने पूछा कि इस पर क्या कार्रवाई हुई, तो एसपी साहब का कहना है कि हम जाँच पे हैं, जाँच कर रहे हैं और अभी तक इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की है उस पर। आप क्या चाहते हैं? मुझे न्याय चाहिए, नारी की अस्मिता और सम्मान के लिए, नारी की अस्मिता और सम्मान के लिए न्याय चाहिए। बाकी मेरे पास में और बहुत सारे ऑफर्स भी आए, लोग भी आए कि मैडम आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, इनके यातायात के कुछ आरक्षक आए और कोतवाली के कुछ आरक्षक आए, कुछ मतलब पत्रकार संघ के भी लोग आए जिनने मुझे बोला कि मैडम आप अपना आवेदन वापस ले लें और उसके बाद बोले आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, कुछ पैसे वैसे का भी मामला आया कि आप पैसे रख लें और उसके बाद आप अपना आवेदन वापस ले लें। तो हमने ये बोला उनसे कि हमें अपना सम्मान वापस चाहिए, बस हमें इस सम्मान में, हम अकेले खड़े हैं, हमारे साथ में कोई नहीं है, शासन प्रशासन सब हमारे विरुद्ध में खड़े हैं, कोई हमें न्याय नहीं दिला रहा है। देश और प्रदेश में भाजपा के कुशासन में बढ़ रहे गुंडा राज, दलित पिछड़े मुस्लिम किसान उत्पीड़न शोषण के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी जिला बालाघाट द्वारा फौजी सचिन कुमार जिला महासचिव के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि देश में बीजेपी और प्रदेश में शिवराज सरकार के कुशासन, निरंकुश शासन प्रशासन और गैर लोकतांत्रिक गतिविधियों के निरंतर संचालन से जनता का उत्पीड़न चरम पर है। साथ ही आए दिन नारी महिला शोषण, उत्पीड़न, मानव तस्करी जैसे दलितों के ऊपर अत्याचार, अन्याय, शोषण के मामले प्रकाश में आते हैं। 19 जुलाई 2020 को एक अकेली महिला अर्चना पवार के साथ यातायात थाना प्रभारी उप निरीक्षक मनोज मेहरा द्वारा वर्दी की धौंस दिखाते हुए गाली गलौज कर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी देते हुए काफी जलील किया गया। उक्त घटना की प्राथमिक दर्ज कराने पीड़िता थाना कोतवाली गई, किंतु उप निरीक्षक के होने के कारण उसके ऊपर कोई मामला पंजीबद्ध नहीं किया गया। यह मामला पुलिस अधीक्षक माननीय अभिषेक तिवारी जी और उप पुलिस अधीक्षक प्रीतपाल सिंह के संज्ञान में लाकर उन्हें घटना की ऑडियो सौंप दी गई। उक्त घटना की शिकायत पुलिस महानिरीक्षक KP वेंकटेश्वर राव और जिला कलेक्टर दीपक आर्य को भी दी गई। बालाघाट से सुप्रीम पावर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। मैं बहुजन समाज पार्टी जिला महासचिव फौजी सचिन कुमार, प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार के अंदर पुलिस प्रशासन का तानाशाही और गुंडागर्दी का रवैया लगातार जो है देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बालाघाट जिले के चिरोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत महकेपार चौकी में सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक जो अनूप यादव था, उसके बर्ताव से पुलिस प्रशासन की शाख और उसकी गरिमा को भी लज्जित करने का काम किया था। उसने 2-3 आदिवासियों को जबरन जो है पुलिस थाने में पकड़कर मारपीट किया उनसे 6-7 दिन और उन्हें मानव मूत्र पुलिस पेशाब पिलाने का काम भी किया। ऐसी घटना आपने हाल ही में ऊना में देखी और ये पुलिस प्रशासन की बर्बरता और तानाशाही गुंडागर्दी की घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा कारण इस प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार है। हम बालाघाट जिले की अभी 19 जुलाई की घटना को पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन और देश के प्रशासन और शासन के समक्ष लाना चाहते हैं। ये मेरी बहन अर्चना, ये अर्चना पवार, ये एक विधवा महिला, 2 बच्चों की माँ और पत्रकारिता करके अपना भरण पोषण करती है। इस लड़की के साथ यहाँ यातायात प्रभारी मनोज मेहरा उप निरीक्षक द्वारा इसी चौराहे काली पुतली पे मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और इस घटना की रिपोर्ट हम जब पुलिस प्रशासन को देने के लिए अर्चना बहन गई तो यहाँ के पुलिस प्रशासन ने इस अबला नारी की, संविधान ने जिसको बराबरी का सम्मान का हक दिया है, इस नारी की न रिपोर्ट दर्ज की और न अब तक कोई मामला पंजीबद्ध हुआ है।